देश में एक साथ चुनाव करवाना आसान तो नहीं है। लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतें हैं, साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। हमारे एक्सपर्ट्स का इस बारे में क्या कहना है, आइए सुनते हैं। एक वोटर लिस्ट जो कि एक पैन इंडिया लेवल पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या है, कई जगह पर अभी भी कई वोटर्स हैं जो दो दो तीन तीन जगह पर लिस्टेड हैं। उनको या तो आप आधार कार्ड से लिंक करिए, या फिर उनको कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए वो एक ही जगह लिंक्ड हो, एक ही बार में पूरे राष्ट्र में चुनाव हो जाए। तो चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ये कि उन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो सबको ध्यान में रखते हुए उनको उसमें सुधार लाना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उनको। कानून आप कितने भी लाओगे तो उस कानून के नीचे राइडर है। हमारे देश में यदि प्रजातंत्र में, मैंने कहा ना कि यदि आपने ये कहा कि 5 साल तक के लिए कोई चुनाव हो ही नहीं, बाई इलेक्शन हो ही नहीं सकते, बाई इलेक्शन आपको बैन करने होंगे, और बाई इलेक्शन नहीं होंगे तो और एक बार आपने पार्टी जो दल बदल कानून है ये रद्द करना होगा। एक बार आप जिस सिम्बॉल पर चुनाव जीते हो ये आपके 5 साल के लिए कमिटमेंट होगी। लंबी कवायद के बाद 5 साल पहले देश में जीएसटी लागू हुआ था और कमोबेश जीएसटी ठीक ठाक काम भी कर रहा है। अब एक देश एक चुनाव के समर्थक तर्क देते हैं कि जब एक देश एक टैक्स लागू किया जा सकता है तो एक देश एक चुनाव क्यों नहीं। तर्क में दम तो है, लेकिन सवाल यह है कि भारत को एक देश एक चुनाव की जरूरत है भी या नहीं। होना यह चाहिए कि सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर होने वाली बहस में भाग लें और फिर जनता की राय भी ली जाए। लोकतंत्र है, जनता के बिना तो कोई बड़ा फैसला होना ही नहीं चाहिए। ABP News आपको रखे आगे।